हाय व्यूअर्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल जायका इंडिया का पर। आज हम बनाने वाले हैं राजस्थानी कढ़ी। तो चलिए शुरू करते हैं। राजस्थानी कढ़ी बनाने के लिए हमने यहाँ पर ली है आधा किलो दही, 2 टेबलस्पून बेसन, 1/4 टीस्पून धनिया, 1/4 टीस्पून जीरा, बारीक कटी हुई 3 से 4 लहसुन की कलियाँ, थोड़ा सा कड़ी पत्ता, बारीक कटी हुई 2 बड़ी हरी मिर्च, कटी हुई 2 मीडियम साइज की प्याज, बारीक कटा हुआ हरा धनिया, 1 टीस्पून नमक, 2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 2 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, अदरक और लहसुन का पेस्ट 1.5 टीस्पून और थोड़ी सी कसूरी मेथी। सबसे पहले हम दही के अंदर बेसन को मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर हमारा बेसन दही के साथ अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब हम एक बर्तन में 2 टेबलस्पून तेल ऐड करेंगे। हमारा तेल गरम हो चुका है। अब हम इसमें प्याज ऐड करेंगे और इसी के साथ हमारी कटी हुई हरी मिर्च भी ऐड कर देंगे। यहाँ पर प्याज का कलर चेंज होने लगा है। अब हम इसमें हमारे सारे मसाले ऐड कर देंगे। हमने यहाँ पर सारे मसालों को पानी के साथ मिक्स कर लिया था। यहाँ पर मसालों को अच्छे से पकाने के लिए हम इसमें थोड़ा और पानी ऐड करेंगे। हमने यहाँ पर तकरीबन 1/4 कप पानी ऐड किया है। अब हम इसे ढककर 10 मिनट के लिए पकने देंगे और गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो रखेंगे। मसाला पक चुका है। अब हम इसमें दही और बेसन का पेस्ट ऐड करेंगे। इसी के साथ हम इसमें 1 कप पानी भी ऐड कर देंगे। अब 10 मिनट तक हम इसे लो फ्लेम पर पकने देंगे। हमारी कढ़ी पक चुकी है। अब हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसमें तड़का लगा लेंगे। तड़का करने के लिए हम एक बर्तन में 3 टेबलस्पून घी ऐड करेंगे और इसे गर्म होने देंगे। घी यहाँ पर गर्म हो चुका है। अब हम इसमें लहसुन की कलियाँ ऐड कर देंगे और इसको ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। अब हम इसमें जीरा और धनिया डाल देंगे। इसी के साथ कड़ी पत्ता भी डाल देंगे। अब गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसमें कसूरी मेथी ऐड कर देंगे। अब हमारा बनाया हुआ तड़का हम कढ़ी में ऐड करेंगे। इसी के साथ हम इसमें बारीक कटा हुआ हरा धनिया ऐड करेंगे। यहाँ पर हमारी कढ़ी बन चुकी है और सर्व करने के लिए बिल्कुल तैयार है। तो लीजिए, खाने के लिए बिल्कुल तैयार है हमारी राजस्थानी कढ़ी। हम इनको गर्मा गर्म रोटियों के साथ सर्व करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करें। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें।